पटना में वज्रपात से चार लोगों की मौत हो गई है, मनेर में तीन लोगों की, जबकि विक्रम एक शख्स की मौत हुई है। बता दें अभी तक वज्रपात के चलते बिहार में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पटना में वज्रपात से चार लोगों की मौत हुई है, मनेर में भी मौत हुई है, विक्रम में एक शख्स की मौत हुई है। मनेर की बात करें तो वहां तीन लोगों की मौत हुई है। अभी तक वज्रपात के चलते बिहार में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम, जुड़ चुके हैं। मरगूब, अभी तक जो जानकारी मिल रही है 25 लोगों की वज्रपात से मौत, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल दोपहर के बाद का जो दिन है वो बहुत भारी पड़ा है बिहारवासियों के जी, और पटना के साथ साथ कई जिलों में कई लोगों की मौत हुई है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ 6 से ज्यादा मौतें हैं, और पटना में कल देर रात हमारे पास खबर यह आई कि मनेर में 3 और विक्रम में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। 3 में से 2 व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, 1 व्यक्ति अपने घर सामान लेकर जा रहा था, बरसात हुई, एकाएक बिजली करके और मेघ गर्जन के चपेट में वो आ गया, उसकी मौत वहीं हो गई। 2 किसान की मौत हुई है खेत में काम करते हुए। अब विक्रम में 1 व्यक्ति की मौत हुई है जो पेड़ के नीचे खड़ा था और वज्रपात के चपेट में आ गया। फिलहाल पुलिस सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंपा जाएगा। अधिकारी का कहना है कि जो विधिवत कानूनी सहायता, जो संवैधानिक सहायता है, सरकार का जो आर्थिक सहायता है वो दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास कल देर रात जानकारी आई, 25 लोगों की मौत हो चुकी है वज्रपात से, और ये संख्या आज और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई ऐसे सुदूर जिले हैं, सुदूर ऐसे जगह हैं जहाँ से जिला में इंफॉर्मेशन देर रात तक नहीं आ पाई थी, अधिकारी वहां लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा इस बात की 30 से ज्यादा लोग कह सकते हैं बरसात की कल चपेट में आए थे और उनकी मौत हो गई है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारों के लिए। तो राज्य में अब तक वज्रपात से 25 लोगों की मौत हुई है। आसमान से आफत बरस रही है, और ऐसे में मौसम विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि जब बारिश हो, बिजली गिरे, तो घर में ही रहें या फिर ऐसे स्थान पर चले जाए जहां पर वज्रपात का फिलहाल मतलब बता दें कि कोई प्रकोप ना हो, चाहे पेड़ों के नीचे जाए या फिर ऐसी जगह पर जाए जहाँ वज्रपात के प्रकोप से बचा जा सके।